नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। वाराणसी विकास प्राधिकरण के कड़े तेवर के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में किसके इशारे पर हो रहा है अवैध निर्माण? बता दें कि जहां एक ओर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है, वहीं दूसरी ओर अवैध निर्माण करने वाले शहर के नियोजित विकास को पलीता लगाने में जुटे हैं। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कुशल नेतृत्व में वीडीए ने भवन निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराने वालों के लिए ऑनलाइन आसान रास्ता सुलभ करा दिया है। बावजूद इसके अवैध निर्माण करने वालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाराणसी के रथ यात्रा स्थित सिद्धगिरिबाग जाने वाले रास्ते के ठीक चौराहे पर रामनगर कटेश्वर की रमाडा होटल के मालिक विनोद चौरसिया के द्वारा बहुमंजिला व्यवसायिक अवैध निर्माण के बारे में, जहां आप देख सकते हैं कि बकायदा बोर्ड पर लिखा हुआ है कि वीडीए द्वारा नक्शा पास है, लेकिन भवन स्वामी विनोद चौरसिया खुलेआम अवैध निर्माण करने में जुटे हैं। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ कि लबे सड़क हो रहे इस अवैध निर्माण को वीडीए के जिम्मेदार अधिकारी किसके इशारे पर करवा रहे हैं, यह तो जांच का विषय है। वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के जोनल अधिकारी चंद्रभानु गली गली सड़क सड़क उनके क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में जुटे हैं, लेकिन इन्हें बदनाम करने वाले मातहत कर्मचारी इस बात की हवा उड़ा रहे हैं कि अब साहब जल्दी रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा अवैध निर्माण करने वाले को नाराज करने वाले नहीं है, लेकिन यह पब्लिक है, सब कुछ जानती है। इस बारे में भवन स्वामी प्रतिनिधि ने सफाई देते हुए कहा कि नक्शा दाखिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर भवन स्वामी विनोद चौरसिया कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से किन्हीं कारणों से बचते रहे। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो अथवा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से उनकी कोई साठगांठ हो, या यह भी हो सकता है कि वीडीए के अधिकारियों से इनको हरी झंडी मिल गई हो कि आप निर्माण करिए, बाद में सब कुछ देख लिया जाएगा। कुल मिलाकर जो भी निर्माण हो रहा है वह कितना वैध है अथवा कितना अवैध, यह तो जांच का विषय है, लेकिन जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी तब तक अवैध निर्माण पर पूरी तरह से अंकुश लगा पाना नामुमकिन होगा। क्राउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।